हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज की वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं मैथ ओलंपियाड प्रॉब्लम का क्वेश्चन। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू सिंप्लीफाई फ्रैक्शन विथ नेगेटिव पावर का ये क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं। ये आज का हमारा क्वेश्चन क्या है, 27/64 होल टू द पावर -2/3 इक्वल टू वाट, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। ओके, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है। तो चलिए, अब इस वीडियो को देखने के लिए आप वीडियो को एंड तक देगा, वीडियो को आप स्किप नहीं कीजिएगा। ओके, स्किप कीजिएगा तो आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। तो चलिए, सबसे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे हम यहाँ पे, ये स्टेप बाई स्टेप मैं इस क्वेश्चन को समझाऊंगी। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ये क्वेश्चन 27/64 होल टू द पावर -2/3, यही क्वेश्चन है हमारा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, तो देखते हैं क्या आंसर हमारा आता है। तो सबसे पहले ये 27 किसका क्यूब होता है, 27 3 का क्यूब होता है, ये 64 4 का क्यूब होता है। ओके, इतना तो बात आपको पता है, ये क्यूब होता है, हमको इस फॉर्म में इसको लिखेंगे। तो क्या 27 को 3 टू द पावर 3, 64 को हम 4 क्यूब, 27 को 3 क्यूब बाई 64 को हम 4 क्यूब लिख सकते हैं। ये होल टू द पावर क्या है, होल टू द पावर -2/3, इसको एज इट इज लिखेंगे, इसको हम नहीं छोड़ेंगे। ओके, अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 ये है तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, a टू द पावर m बाई b टू द पावर m इक्वल टू a बाई b होल टू द पावर m। हम पावर को एक ही बार लिख सकते हैं। ओके, यहाँ पे बेस डिफरेंट है, पावर यहाँ पे सेम है, तो क्या करते हैं हम यहाँ पे बेस डिफरेंट है, 3 4 बेस सेम डिफरेंट है, पावर यहाँ पे सेम है, तो पावर सेम है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये यहाँ पे ए बी बेस हो गया, पावर m हो गया, तो पावर सेम है तो इसको इस फॉर्म में लिखेंगे हम इसको, तो 3/4 और ये 3 को हम ऐसे यहाँ पे लिखेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम यहाँ पे इसको -2/3 लिखेंगे। ओके, यहाँ तक क्लियर होगा। अब नेक्स्ट स्टेप हम, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3/4 हो गया, अब ये 3 कैंसिल हुआ तो बच्चा हमारा क्या, होल टू द पावर -2। ओके, करेंगे इसको 3/4 नेगेटिव में, 3/4 होल टू द पावर -2 है, तो अब इसको हम क्या करेंगे, पॉजिटिव में करेंगे, 4/3, इसको जस्ट अपोजिट कर देंगे, जो ऊपर है डिजिट वो नीचे, जो नीचे है वो उसको ऊपर कर देंगे। ओके, ब्रैकेट क्लोज हो गया, यहाँ पे -1 × -2। ओके, अब यहाँ पे क्या करना है, 4/3 हो गया, ये ब्रैकेट -1 क्या होता है, प्लस होता है, ये 2 हो गया। ओके, 2 × 2 -1 प्लस होता है, ये क्या हो गया हमारा, 4 का एक बार स्क्वायर करना है, एक बार क्या करना है, 3 का स्क्वायर करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है, ये हमारा क्या हो गया, आंसर निकल के आ गया, यानी हमारा आंसर क्या हुआ, 16/9, ये हमारा आंसर हो गया। ओके, उम्मीद करती हूँ कि मैंने जो भी आपको सिखाया आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए हमारा वीडियो आपको कैसे लगता है। इसी तरह के और भी वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।